चले, अगर आम आदमी और ख़ास आदमी की आप बात करते हैं तो बलूचिस्तान में पास्ट में किस ख़ास आदमी पे जो है एफआईआर दर्ज हुआ फौरी तौर पे? यहाँ पर तो एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते थे, सेशन में जाके 22A का जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कराते थे कि हमारे दरख्वास्त पे एसएचओ जो है एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा। अब तो कम अज़ कम ये है कि कोई वाक़ अगर पेश भी आया है फौरी तौर पर एफआईआर तो दर्ज हो चुका। अब कानून ज़ाहिर है उसकी अमलदारी है, कानून अपना जो है वो रास्ता खुद बनाता है और फिर केस जो है ज़ाहिर है वो आगे कोर्ट में जाना है, कोर्ट ने डिसाइड करना है, मेरिट पे डिसाइड करना है। तो हमें इस बात को कम अज़ कम अप्रिशिएट तो करें कि अब उस वाक़े का मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली बारकान का एक वाक़ा रिपोर्ट हुआ है, लेकिन डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि लेविज़ के कहने पर वो सूरत हाल उन्होंने बयान किया है, कमिश्नर साहब उसमें ऑन बोर्ड हैं कि एक एफआईआर दर्ज तो हो चुका। अब उसमें क्या कार्रवाई, जाहिर कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होगी, उसके मेरिट और हकायक क्या हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सामने आ जाएगा। सर कॉमन मैन भी कई एक कोई दौरा मैार नहीं, पूरे मुल्क में कई एक कॉमन मैन हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, इश्तियारी करार दिए गए हैं, बहुत सारे कॉमन मैन जो है वो इश्तियारी हैं और कानून के गिरफ्त में नहीं आते, लेकिन कानून के गिरफ्त से पहले भी नहीं कोई बचा, अभी भी इंशाल्लाह नहीं बचेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि कॉमन मैन के कहने पे कभी एफआईआर बहुत कम दर्ज होते थे पास्ट में, अब जो है कॉमन मैन के दरख्वास्त के बगैर भी या फौरी तौर पे भी, कॉमन मैन हो या वीआईपी, वो कल्चर हमने खत्म किया सबके खिलाफ। देखिए गवर्नमेंट यही कर सकती है ना कि हम एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद फौरी तौर पर आप पुलिस रेड कर सकती है, लेवीज रेड कर सकती है, वो अमल उनका जारी होगा और जब अरेस्ट होगा उसके बाद जो है केस अदालत में जाएगी। आपने कहा कि 24 गेटे गुजर चुके हैं इस वाकये को और आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मुझे अब तक पता नहीं है, क्या बारकान के असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पता नहीं है, मैंने कहा कि वो जो मुबैना तौर पर जो बयान किया गया है, मैंने कहा वो उस पर तो डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब तक ऑन बोर्ड है, वो तो हमें पता है, एफआईआर मैंने देख लिया है, एफआईआर में जो दर्ज है वो पढ़ लिया है, उस हद तक तो सारा कुछ पता है। मैं ये कहता हूं कि जो केस के जो मेरिट्स हैं ऑन द स्पॉट जो वाकया है वो क्या है, वो फिर जब केस अदालत में जाएगी दोनों फरीकें जो अपना अपना केस जो प्लीट करेंगे वहां पर सब पता चल जाएगा।